नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज आए हूं मैं सेंसदारा रोड में और यहां पर हनुमान जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है और दो बड़े बड़े वृक्ष भी है। एक बड़ का वृक्ष है और दूसरा पिपल का वृक्ष है और दोनों ने आपस में खोड़ी आकार का रूप ले रखा है। और बड़ के वृक्ष के नीचे हनुमान जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है और हर मंगलवार को यहाँ भक्त लोग आते हैं और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं और साथ में कुछ ना कुछ वानरों को खाने के लिए भी लाते हैं, जैसे कि गुड़ और चना और केले, और वानर सेना को खिला के चले जाते हैं। दोस्तों ये वानर सेना कहाँ कहाँ पाई जा सकती है धार्मिक स्थलों में? देहरादून के जितने भी धार्मिक स्थल है वहां ज्यादातर वानर सेना पाई जाती है, जैसे कि मसूरी रोड का कुठाल गेट हो गया, दूसरा डाट काली माता मंदिर हो गई और तीसरा लक्ष्मण सिद्ध मंदिर। इन जगहों पर ये वानर सेना पाई जाती है। तो दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि रामायण काल में भगवान राम की सहायता करने वाले ये वानर सेना और रावण का सर्वनाश करने वाले दोस्तों इन्होंने ही करा है रावण का सर्वनाश। मेरा बोलने का मतलब यह है क्योंकि अगर ये वानर सेना ना होती तो राम अकेले पड़ जाते और फिर अकेला कोई कुछ कर नहीं सकता है दोस्तों। इसलिए संगठन बहुत जरूरी होता है जीवन में। राम ने इनका सहारा लिया वानर सेना का और रावण पर विजय प्राप्त करी है दोस्तों। तो यही मेरा बोलने का मतलब है कि संगठन प्रबल है दोस्तों तो शत्रु परास्त हो जाता है दोस्तों। और उन्होंने ज्यादातर वानरों का सहारा लिया है क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं किसी इंसान का सहारा लूंगा तो इंसान बहुत धोखेबाज होते हैं, वो कभी भी मुझे धोखे में डाल सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने इंसान का सहारा ना लेते हुए वानरों का सहारा लिया और विजय प्राप्त करी। धन्यवाद दोस्तों।